विवेक ओब्रॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। काफी मुसीबतों का सामना कर रिलीज हुई इस फिल्म को एक बड़ा झटका लगा है, जिसे जानने के बाद मोदी के फैंस के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल विवेक की ये फिल्म रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तमिल रॉकर्स नाम की एक वेबसाइट ने पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लीक कर दिया है, जिसके चलते अब फिल्म को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि फिल्म के लीक होने से थिएटर्स में दर्शकों की कमी देखी जा सकती है। तमिल रॉकर्स की बात करें तो कुछ समय पहले इस वेबसाइट पर लगाम लगाने के लिए काफी कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। बता दें कि आज के टाइम पर बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्में रिलीज होते ही पायरेसी का शिकार बन रही हैं, जिससे छोटे बजट की फिल्मों के साथ बड़ी फिल्मों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तमिल रॉकर्स ने किसी बड़ी फिल्म को लीक किया हो। इससे पहले 2.0, केदारनाथ, केसरी और कलंक जैसी फिल्में भी लीक हो चुकी हैं। बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक की, तो इस फिल्म को उमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म ने पहले दिन लगभग 2,88,00,000 की कमाई की है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि लीक होने के चलते फिल्म की कमाई पर कितना बुरा असर पड़ता है। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।